एवरीवन, वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्ट क्लासेस। स्वागत है आप सभी का कंस्ट्रक्ट क्लासेस में। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं रीट का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, जो आपका लगा था शिफ्ट टू, इन लेवल टू का जो पेपर लगा था आपका 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट में। सो वहां पर हम देखेंगे जिन जिन बच्चों ने भी सोशल स्टडी को ऑप्ट किया था उसके सॉल्यूशंस को मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। 60 क्वेश्चंस यहाँ पर है, जिसमें आपके ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ आपकी इको और प्रॉपर जो आपकी जीके है वो पूरी कंप्लीट इसमें कवर हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। एक राजा अग्निपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गाइज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 92 नंबर के क्वेश्चन पे, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति में कौन शामिल है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशेषिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन की। सो यहाँ पे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो आ जाएगा इसका आंसर मैग्नेटीज आया था दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं 95 नंबर के क्वेश्चन की। सो 95 में स्टेट द कंप्लीट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अरिका मेडू, यहाँ पे अरिका मेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आगे बात करते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन की। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग किस राजा के दरबार में रहे थे? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कौन से नाटक में गुप्त काल में गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 98 पे, भितरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, उनके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती धर्म के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, मुगल काल में खुदकाश व पहीकाश क्या थे? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों के प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे, मुगल काल में मंजिल आबादी सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुस्तक के भाग से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे ने। 103 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का सतारा में समांतरण सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। चलिए आगे बात करते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा। तो ये 104 का आंसर हो गया। 105 पे चलते हैं, भारत में पत्र विक्रेता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2014 में। तो 106 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्षर शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से। चलिए आगे बात करते हैं 107वें नंबर के क्वेश्चन की, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बीडी जत्ता ने, जत्ती ने। चलिए 108वें नंबर का क्वेश्चन है, किन दो राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की। 109 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो है दोस्तों वो कौन सा नंबर है आपका? ये हो जाएगा 1098, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वें नंबर पर प्रश्न पे चलते हैं, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पीके थुंगन कमिटी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 112वें नंबर के क्वेश्चन पे, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। फिर हम बात करते हैं 113वें नंबर के क्वेश्चन की, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को आपको पहचानना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, फिर भी हम इसके आंसर की का वेट करेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं 114वें नंबर के क्वेश्चन की। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सर्कल ऑफ इलिमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। 115वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अवरोही पवने प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पर्वत से घाटी की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है दोस्तों। तो 116वें नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 105 डिग्री से 105 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं कयाल किस तट पर स्थित है, तो ये आपके मालाबार तट पर स्थित है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 128वें नंबर के क्वेश्चन की। बैथोलिथ, लेखोथिथ, लेखोलिथ और लेपोलिथ वे फेकोलिथ संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये आपके ज्वालामुखी से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 119वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 119वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, फैंस के बारे में कौन सा कथन पूर्ण तरह सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं 120वें नंबर के क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा, यानी सोम एक पौधा था, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 121वें नंबर के क्वेश्चन पे, आपके ज्योग्राफी का पार्ट आ गया यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ठीक है। आपको मैच द फॉलोइंग करना था। 122वें नंबर का क्वेश्चन है आपको, 13 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लो अयस्क पेटियों का समूह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयूरभंज, सिंहभूमि और पैलाडीला। चलिए 123 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चलिए 124वें नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम आगे बढ़े तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 125वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 125वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपको, दे रखा है जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको परियोजना का बताना था, तो 125वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा और चौथा, क्योंकि जो आपका अजमेर में बीसलपुर परियोजना नहीं है, ये आपके टोंक में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 126वें नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दे रखा है किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का जो भारत में प्रथम स्थान है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे सरसों, चना और मोठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं 127वें नंबर के क्वेश्चन पे। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं 128वें नंबर के क्वेश्चन पे। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ में किस शासक को दी गई है? तो यहाँ पर ये जो संज्ञा है दोस्तों, ये आपके राणा हमीर को दी गई है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 129 नंबर के क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो यहाँ पर ये महाराणा का नाम आ जाएगा दोस्तों, स्वरूप सिंह जी थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 130वें नंबर के क्वेश्चन पे। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन दोस्तों अजमेर में हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 131वें नंबर के क्वेश्चन की। बृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था? राजस्थान के एकीकरण से जुड़ा एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं हु इज नोन एज बाणासुर का शहीद? तो बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर शैतान सिंह। दोस्तों नेक्स्ट है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं 134वें नंबर के क्वेश्चन पे। तुलसी हालरो तिमनिया तथा पोत नामक के जो आभूषण है कौन से शरीर के कौन से भाग पे पहने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गले पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। विजयदान देश देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुविधा और पहेली। फिर हम बात करते हैं हेला ख्याल नामक जो लोक नाट्य है राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दौसा से। फिर हम बात करते हैं 137 पे, पटेला बिछियो और लालर व माच्छर ये क्या है? तो दोस्तों ये आपके क्या है, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 138 नंबर के क्वेश्चन की। इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, तो अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज हम आंसर की का इसके लिए वेट करेंगे। 139 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगुआ फोन। चलिए 140वें नंबर के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा एक किल पैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है?
तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विध्वंसक परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं 141वें नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए अभी क्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी एफ स्नेकर ने, स्किनर ने। 142 नंबर के क्वेश्चन पे आता है, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? सो 143 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। 144 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुमेलित है वाला आपको बताना है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 145वें नंबर के क्वेश्चन की। सो यहाँ पे देखिए, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा की प्रशंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? दोस्तों ये भी प्रेडिक्टिव क्वेश्चन है कि बोर्ड इसका क्या मानता है सॉल्यूशन। हम उसी में देखेंगे, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 147 पे, कि रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत पर वापस आती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयनोस्फीयर पे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टोरेंडो को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 149 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडे धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1, 2 और 3। फिर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एसएसटी के पेपर की। तो ये है आपका, उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामान्य से अधिक। तो ये थे आपके दोस्तों कुछ सामान्य ज्ञान, या फिर आप बोल सकते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। 90-60 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किए लगभग लगभग। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएगा कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। स्टे ट्यून्ड विद आकांक्षा क्लासेस। बाय बाय।